हेलो झारखंड, वेलकम टू एलईजी। आज के इस क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाला हूँ, रैंकिंग ऑफ इंडिया इन वेरियस इंडेक्स 2023। आगामी कोई भी एग्जाम आप लोग लेने जा रहे हो तो ज़्यादा चांस रहता है कि एक क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा ही जाए, तो एंड तक आप लोग बने रहिएगा। बाकी JSSC सीजल एग्जाम 2023 के लिए लगभग 2.5 महीने का समय बचा हुआ है और इस लेक्चर को मैं अपडेट कर रहा हूँ जुलाई 2023 में। तो अगर ये रैंकिंग अपडेट होता है या इंडेक्स, तो आपको फिर से एक डेडिकेटेड वीडियो मिलेगा, क्योंकि ये सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो टाइम टू टाइम जो ऐसे चेंज होते रहते हैं। बाकी क्लास में आप लोग एंड तक बने रहिएगा, PDF भी रख लीजिएगा, रिवीजन में काम आएगा। यह लेक्चर आपको सिर्फ JSSC के एग्जाम में नहीं, JSSC हो, JPSC हो, BPSC हो, SSC हो, रेलवे हो या फिर कोई और SC हो, सब में लेक्चर काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। बाकी यहाँ पे मैं देखिए स्पेशल ऑन डिमांड जो है लेक्चर है और इस तरह का टॉपिक आपको आगे भी देखने को मिलेगा, और अगला टॉपिक क्या होगा मैं एंड में बात करूंगा। बाकी इसमें देखिएगा तीन तरह से क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है। अगर प्रायोरिटी वाइज मैं देना चाहूँ तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहता है कि इंडिया का रैंक जो है क्या है, जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखिएगा आप लोग कि इंडिया का रैंक जो है इस इंडेक्स में क्या है। सेकेंड प्रायोरिटी रहेगा कि टॉप स्थान पर कौन सा है, और थर्ड प्रायोरिटी रहता है कि यह इंडेक्स जो है कौन इशू करता है। तो तीन तरह से क्वेश्चन जो है बेसिकली इसमें पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा तीनों चीज को। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट अप, ध्यान से सुनिएगा और PDF रख लीजिएगा, क्योंकि ये सारा ऐसा चीज़ है जिसको आपको बार बार रिवीजन करना होगा। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बाकी वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि एजुकेशन और मोटिवेशन बढ़ते जाए। चलिए, तो पहला हमारा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022। इसको 1990 से जो है पब्लिश किया जा रहा है। तो भारत का रैंक जो है 132, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल टिक इस पे लगा लीजिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो 132वां है, टॉप जो है नॉर्वे किया था। इशू जो है किया जाता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP के द्वारा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023। इसको 2007 से जो है प्रकाशित किया जा रहा है। इंडिया का रैंक इसमें 13वां है, तो टेररिज्म में हम लोग 13वां स्थान पे हैं और अफगानिस्तान का टॉप स्थान पे है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान के पता होगा आपको एक दो साल पहले क्या हुआ था, तो टॉप पे यही है, इंडिया का रैंक 13वां है। और इसको इशू किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, शॉर्ट में इसको IEP कहा जाता है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, डबल टिक लगा लीजिए इस पे भी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है GHI शॉर्ट में कहा जाता है। 2022 में देखिएगा तो इंडिया का रैंक 107 स्थान पे था, ठीक है। तो हम लोग इतना सारा काम भी कर रहे हैं और हमारा रैंक इतना नीचे था, तो काफ़ी आपको पता होगा बवाल भी हुआ था इंडिया के साइड से कि कैसे आप लोग रैंकिंग तैयार करते हैं, ठीक है। तो इसको वो सब आपके काम का चीज़ नहीं है, बस याद रखिएगा कि रैंक कितना है। तो 107 है, टॉप किया था इसमें बेलारूस और सबसे अंतिम स्थान पर चार्ट रहा था। 2006 से जो है इस इंडेक्स को पब्लिश किया जा रहा है, और ये जो इंडेक्स है वह वर्ल्ड हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा पब्लिश किया जाता है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और ई, ठीक है, और ए वाला टॉप और लास्ट। नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूँ, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है 2022। तो ए जो है इसे आपको वर्ल्ड बैंक जो है इशू करती है, और इंडिया का रैंक इसमें 116वां है, टॉप स्थान पे सिंगापुर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स वर्ल्ड बैंक इसको प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसको शॉर्ट में GII कहा जाता है। 2022 में जो है इंडिया का रैंक 40वां था, इसी ध्यान रखिएगा, टॉप स्थान पे स्विट्जरलैंड रहा था। इसको ना वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में WIPO कहा जाता है, उसी के द्वारा इस इंडेक्स को इशू किया जाता है। नेक्स्ट आता है, डबल टिक लगा लीजिएगा इसको, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। इसको 3 मई को जो है रिलीज किया जाता है, क्योंकि 3 मई को जो होता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो उसी दिन इसको रिलीज किया जाता है। 2002 से जो है इसको रिलीज किया जा रहा है। इंडिया का रैंक इसमें 161वां था, 181 कंट्री में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। टॉप स्थान पे नॉर्वे था, यानी कि वहाँ का जो प्रेस है वह काफ़ी फ्री है, और नॉर्थ कोरिया तो पता होगा सबसे नीचे है। इसके पीछे का रीजन है, हर घर में CCTV कैमरा लगा कर रखते हैं और एक ही टेलीविजन है, जो वह बोलेगा वही उसमें दिखाई देता है, ठीक ना, समझ गए। तो इंडिया का रैंक इसमें 161 रहेगा। बाकी इसको जो इशू किया जाता है उसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, तो नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, भूलिएगा नहीं आप लोग, रिपोर्टिंग करते हैं बिना बॉर्डर को ध्यान में रखे हुए, ठीक है, मतलब किसी बॉर्डर में ये लोग घुस जाते हैं। थर्ड में याद रखिएगा, ठीक है, 161वां इंडिया, और लास्ट पे है नॉर्थ कोरिया, टॉप पे है नॉर्वे। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। तो इसमें इंडिया का रैंक जो है 8वां स्थान है, और टॉप किया है डेनमार्क। इसको इशू किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसको डबल टिक लगा लीजिएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स।
तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 है उसमें इंडिया का रैंक जो है 126 है, यानी कि उतना ज़्यादा हम लोग खुश नहीं है। इतना सारा टेंशन एग्जाम आ रहा है, देखना है कितना टेंशन इंडिया में। बाकी देख लीजिएगा टॉप स्थान पे फिनलैंड है, यानी कि फिनलैंड को जो निवासी है वह काफ़ी ज़्यादा खुश है, काफ़ी ज़्यादा क्या बोलिए सबसे ज़्यादा खुश है। और अफगानिस्तान के लोग जो है से सबसे जो है से इसमें रैंक जो है से लास्ट है, क्योंकि वहाँ जो तालिबान के चलते क्या हरकत हुआ था पता होगा, तो वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा नाखुश हैं। ये जो रैंक है 2012 से जो है से प्रस्तुत किया जाता है, और इसको जो है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी कि UNSDSN के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ओके, इंडिया का रैंक 126, डबल टिक लगा लीजिएगा। नेक्स्ट आता है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023, तो इसमें इंडिया का रैंक 108वां है, तो रैंक हमारा भी अच्छा नहीं है। टॉप स्थान पे डेनमार्क है, ध्यान रखिएगा VDM इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जो है इशू किया जाता है, 2006 से इसको इशू किया जा रहा है। ये सारा चीज़ जो है सिर्फ आपको याद रखना होगा, बाकी कोई टाइम पास करने का जैसे इसमें मतलब नहीं बनता है। डायरेक्ट इंडेक्स पूछेगा आपको कि कौन सा इंडेक्स है, या फिर पूछेगा कि रैंक क्या है, ठीक है, इतना ही चीज़ आपको कवर करना रहता है। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023, तो इसको जो है से इसमें इंडिया का रैंक जो है से 42वां स्थान है। टॉप असाइन पर जो है से यूनाइटेड स्टेट्स है, ये भी आपको डबल टिकित जैसा रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, ठीक है। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसको इशू किया जाता है। रैंक इन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2023, कहने का मतलब है कि अगर वर्ल्ड वाइड आप लोग देखेगा तो मिलिट्री पर एक्सपेंडिचर जो किया जाता है उसमें भारत का रैंक क्या है, तो इसमें भारत का रैंक 4th स्थान पे है, इसको ऊपर करना होगा। यह सिप्री के द्वारा जो है से रिलीज किया जाता है, ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मतलब देख लीजिएगा टॉप स्थान पे यूनाइटेड स्टेट्स, तो यहाँ पे देखिएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है से मिलिट्री पर सबसे ज़्यादा जो है से खर्च करता है, और इंडिया है से 4th स्थान पे है। इस सिप्री का पूर्व होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ना, ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023, तो इसमें इंडिया का रैंक 4th था, और टॉप कौन था तो US, रसिया और फिर चाइना, 4th स्थान पे इंडिया है। ग्लोबल फायर पावर इस इंडेक्स को रिलीज करती है, इंडिया का रैंक 4th, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, तो यह जो है से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा और ये जो जर्मन वॉच ईवी है उसके सहयोग से इसको पब्लिश किया जाता है। भारत का स्थान इसमें 8वां रहा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है टॉप स्थान पे इसमें किसी को नहीं दिया गया था, क्योंकि इन्वायरमेंट जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें कोई भी जो देश है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया था। 4th जो रैंक दिया गया था वह डेनमार्क को दिया गया था, यानी कि पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान देखिए यहाँ पे खाली छोड़ा गया है। नेक्स्ट आता है आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2023, इशू किया जाता है इसको आर्टन कैपिटल के द्वारा। इंडिया का रैंक इसमें 144वां है, ध्यान रखिएगा, और UAE इसमें टॉप स्थान पे है। तो आर्टन जो कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें जो है 144वां स्थान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक लगा लीजिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 हाल ही में इसको अभी जुलाई में रिलीज किया गया है, तो ये जो है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जैसे इसको रिलीज किया जाता है। इंडिया का रैंक इसमें जो है से 80 था, और अभी 5 अंक हम लोग छलांग लगाए थे, पहले देखिएगा तो 85 था और अभी जो है से 80 हमारा स्थान है। नेक्स्ट टॉप जो है से सिंगापुर है, पिछली बार देखिएगा तो जापान था, लेकिन अब जापान को जो है से रिप्लेस किया है सिंगापुर, तो टॉप स्थान पे सिंगापुर। भारत का स्थान 80, हेनले पार्टनर्स के द्वारा जो है से रिलीज किया जाता है, किसको, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल टिक लगा लीजिएगा इस पे, 80 है, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स 2023, इसको IMD यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ये जो है इसको रिलीज करती है। भारत का स्थान इसमें 40वां है, टॉप स्थान पे डेनमार्क है, रिलीज होता है तो डेनमार्क है, फिनलैंड है, स्विट्जरलैंड है, सिंगापुर है, ये सब कंट्री आपको ना देखने ही को मिलेंगे कोई भी इंडेक्स आता है तो टॉप स्थान पे। नेक्स्ट आता है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2022, तो इसमें भारत का स्थान 112 है। क्या आपको लगता है कि भारत का स्थान 112 होगा? ह्यूमन फ्रीडम, कितना ज़्यादा फ्रीडम जो है हमारा संविधान देकर रखा है, मुझे नहीं लगता है कि मतलब इसमें ना सवाल उठाया जा सकता है कि भारत का स्थान 112 कैसे हो गया। भारत में तो काफ़ी ज़्यादा स्वतंत्रता है ह्यूमन को लेकर, क्या कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? जिसको मैंने उसको आप लोग गले दे सकते हैं ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, जैसे भी देना हो, कोई जो ऐसे एक्शन में जल्दी नहीं ले पाया क्योंकि आज़ादी आपको है, ठीक है, कम ही चांस होता है कि आप पर एक्शन ले जाता है, किसी को आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, इतना तो आज़ादी कम से कम दे के रखा गया है। तो मतलब ये जो रैंकिंग है उस पर तो सवाल उठाना जाना चाहिए कि इतना रैंक आप लोग कैसे दे दिए। टॉप स्थान पे स्विट्जरलैंड है, यानी कि स्विट्जरलैंड में सबसे ज़्यादा आज़ादी है, और भारत में तो पता होगा 112 है। नेक्स्ट आता है एशिया पावर इंडेक्स 2023, तो जो एशिया पावर इंडेक्स 2023 है उसमें भारत का स्थान जो है ऐसे 4th है, और टॉप इसमें देखिए सिर्फ एशिया को नहीं लिया गया था, एशिया पैसिफिक को लिया गया था, एशिया पैसिफिक रीजन को। टॉप स्थान पे जो है से USA है, और यह लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है से इसको पब्लिश किया जाता है, इशू किया जाता है, 2018 से इस इंडेक्स को प्रस्तुत किया जा रहा है,
चौथा स्थान है एशिया पावर इंडेक्स में, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, डबल टिक लगा लीजिएगा इस पे। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में देखिएगा तो भारत का स्थान 127वां है, मतलब अजीब हाल है इसमें, इतना जेंडर गैप करके रख दिए हैं हम लोग का रैंक। टॉप स्थान पे नॉर्वे है, फिर फिनलैंड है, फिर स्वीडन है, यानी कि सबसे ज्यादा जो है कम जेंडर गैप नॉर्वे में है, भारत का स्थान 127वां है, तो काफी ये बुरा स्थिति है बोल सकते हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देख लीजिएगा इसको प्रस्तुत करती है, ध्यान रखिएगा 2007 से इसको पब्लिश किया जा रहा है, एक क्वेश्चन पर डबल टिक लगा लीजिएगा, 127वां रैंक है। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2023, यानी कि गोल को अचीव करने में क्या रैंक है, आपको पता होगा 17 गोल है जो कि 2030 तक हमको अचीव करना है, ठीक है। तो फर्स्ट 5 गोल तो आपको पता होगा, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन और जेंडर इक्वालिटी, तो ये सब कुछ कहानी होता है, तो यहाँ भी जेंडर इक्वालिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आ जाता है, इसलिए रैंकिंग ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और पुरुष और महिलाओं को लेकर पता होगा, अलग अलग अधिकार के बारे में बात करते हैं, तो हमेशा तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है दुनिया में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में इंडिया का रैंक 112वां है, टॉप स्थान पे इसमें फिनलैंड है। इशू किया जाता है SDSN यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। नेक्स्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023, इसमें इंडिया का स्थान 8वां रहा था, टॉप स्थान पे चार्ट है। इशू किया जाता है, इसको रिलीज किया जाता है स्विस फॉर्म IQ एयर के द्वारा, तो ये सब कुछ ध्यान रखें। कंटिन्यू करता हूँ, इंटरनेशनल एविएशन सिक्योरिटी असेसमेंट रैंकिंग 2023 है, इसमें भारत का रैंक पहला स्थान पर रहा था, टॉप पे इंडिया है। इसको प्रस्तुत किया जाता है फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये जो है USA का एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसी के द्वारा जो है इसको पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023, इसमें भारत का रैंक 65वां है और टॉप स्थान पर डेनमार्क है। इसमें देखिएगा तो व्हाइट शील्ड, ठीक है, व्हाइट शील्ड है USA का, उसके द्वारा इसको इशू किया जाता है। तो ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 भारत का रैंक इसमें 65वां है। इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों ने टिक लगा लीजिएगा, ठीक है, डबल टिक कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा है। टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट 2023, अभी देखिएगा तो एक इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस हुआ था जर्मनी में, तो उसमें जो AI जो एरावत है इंडिया का, उसको 75वां स्थान दिया गया था, ठीक है। तो अगर टॉप पूछेगा 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटर लिस्ट में इंडिया का जो है से AI एरावत है, उसका रैंक क्या है, तो 75वां रैंक है, इसको ध्यान रखेंगे, तो यह रैंकिंग दिया गया था। वर्ल्ड में भी सबसे फास्ट जो है सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है ना, ध्यान रखेगा, ये USA का है, जापान का फुगाकू सेकेंड स्थान पर खिसक गया है। नेक्स्ट आता है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, यानी कि तामझाम आप लोग समझते हैं लॉजिस्टिक्स, तो ये जैसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा जैसे इसको प्रस्तुत किया जाता है, इंडिया का रैंक इसमें 38वां है और टॉप स्थान पे सिंगापुर है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रैंकिंग 2023, तो इसको डबल टिक लगा लीजिएगा क्रिमिनल के मामले में। इंडिया का रैंक जो है इसमें 77 है और टॉप स्थान पर जो है वेनेजुएला है, यहाँ पर देख लीजिएगा वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स के द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट आता है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, तो ये इंडिया का है, तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में ये जो है टॉप स्थान पे कर्नाटका था, यानी जस्टिस देने के मामले में कर्नाटका जो है टॉप स्थान पे है। इसको इशू किया गया था टाटा ट्रस्ट के द्वारा, याद देखिएगा। टॉप अगर देखिएगा तो पुलिस का रैंकिंग दिया गया था इसमें, तो टॉप में है ऐसे तेलंगाना है और टॉप में जो स्मॉल स्टेट्स में देखिएगा तो यह सिक्किम है, तो ये सब कुछ याद रखिएगा, यानी कि जस्टिस देने के मामले में टॉप स्थान पे कौन है, तो कर्नाटका, तो ये सब कुछ याद रखिएगा, जस्टिस देने के मामले में मतलब शीर्ष राज्य कौन सा है, आंसर लगाएगा कर्नाटका, ठीक है। टाटा ट्रस्ट के द्वारा इशू किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, डबल टिक लगा लीजिएगा इस पर भी। नेक्स्ट आता है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, इस पर भी डबल टिक लगा लीजिएगा QS का जो रैंकिंग आता है। तो इंडिया जो है देख लीजिएगा, इसमें अलग अलग रैंकिंग दिया गया था, डिस्कस करना चाहूंगा, तो इसमें टॉप स्थान पे ना जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है USA का, वह टॉप स्थान पे रहा था। इंडिया का देखिएगा तो IIT बॉम्बे, ओवरऑल देखिएगा तो 149वां स्थान था IIT बॉम्बे का। बाकी अलग अलग रैंकिंग दिया गया था, IIT मद्रास का 21वां, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में IIT बॉम्बे को दिया गया था 92वां स्थान मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, और IIT दिल्ली को स्थान मिला 49वां इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो सब कुछ याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे एक पॉइंट है कि इंडिया इज 12th मोस्ट रिप्रेजेंटेड रीजन इन द वर्ल्ड, तो इसमें जो रिप्रेजेंट किया जा रहा था वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, तो 12वां स्थान जो है इसे भारत को दिया गया था, ठीक है, ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, तो इसको भी देख लीजिएगा, ये जो है क्वेकरेली सिंबल्स हैं, पढ़ लीजिएगा। तो इसमें टॉप रैंकिंग जो था वो जो है पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना को दिया गया, और IIT बॉम्बे को जो है 40 मिला, IIT दिल्ली को 46वां मिला, और IISc बेंगलोर को
52वां स्थान मिला। ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। और इंडिया का बोला जा रहा है कि टॉप 200 में टोटल 19 जो है से यूनिवर्सिटी इंक्लूड किए गए थे, तो इसको याद रखिएगा। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 टॉप किया गया था इसमें, जो पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना का है बॉम्बे का 40, दिल्ली का 46 और आईसीएसई बंगलोर का 52। टोटल 19 यूनिवर्सिटी इंक्लूड थे टॉप 200 में। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड टॉप आर्म इंपोर्टर इन 2023, इसको भी डबल टिक लगा लीजिए। कि कहने का मतलब है कि कहीं से आप लोग मतलब जो आर्म एंड एम्युनिशन होता है उसको आयात कर रहे हैं, उसमें टॉप स्थान पे कौन पे है, तो टॉप स्थान पे भारत ही है। ये सब कुछ ध्यान रखेगा। ये जो अगेन सिपरी के द्वारा जो है से इसको इशू किया जाता है, स्वीडन का ही एक कंपनी है, संस्थान बोल सकते हैं इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट इंडेक्स 2022, इसको भी डबल टिक लगा लीजिएगा। ये जो है से इसमें इंडिया का रैंक जो है से 8वां है, और इसको इशू किया जाता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अंकटाड के द्वारा, ठीक है ना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। टॉप इसमें यूएस था और सेकेंड स्थान पे इसमें चाइना था। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट इंडेक्स में भारत का रैंकिंग जो है से 8वां स्थान पे था। नेक्स्ट आता है हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023, तो इसमें इंडिया का रैंक जो था से थर्ड था। ये हुरुन के द्वारा ही है, इंडिया का जो है रैंक है थर्ड है। टॉप स्थान पे है यूएसए और चाइना, थर्ड पे तो इंडिया आपको दिख ही रहा होगा। तो हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में यानी कि यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में भारत जो है से तीसरे स्थान पे है पूरा वर्ल्ड में। नेक्स्ट आता है ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स 2022, तो इसमें देख लीजिएगा जो इंडिया है टॉप स्थान पे है ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स में। टॉप पे इंडिया है, साउथ कोरिया सेकेंड पे स्थान पे आता है और जापान थर्ड पे, और पनामा जो है से फोर्थ स्थान पे आता है। और ये जो है सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस पटना का एक फॉर्म है, उसके द्वारा जो है इसको इशू किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग डबल टिक लगा लीजिएगा। टॉप 10 रिचेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, यानी कि अगर सिटी के बारे में बात की जाएगा तो टॉप 10 जो है रिचेस्ट सिटी कौन सा है, तो न्यूयॉर्क जो है सबसे अमीर है, फॉलोड बाय टोक्यो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो है हेनले एंड पार्टनर्स के संयुक्त सहयोग से इसको इशू किया गया था। ग्लोबल पीस इंडेक्स, डबल टिक लगा लीजिए। तो ग्लोबल जो पीस इंडेक्स है 2022, उसमें इंडिया का रैंक जो है 135वां, यानी कि हम लोग शांत देश तो बिल्कुल नहीं है। इसमें तो मैं सेटिस्फाई हूँ कि इंडिया तो शांत देश नहीं है। टॉप स्थान पे जो है से आइसलैंड है ना, इसको ध्यान रखिएगा। जो है से इशू किया गया था इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, यानी कि वही आईईपी के द्वारा 2007 से इसको पब्लिक किया जा रहा है, ग्लोबल पीस इंडेक्स। नेक्स्ट देख लीजिएगा, चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इन द वर्ल्ड रिपोर्ट। बोला जा रहा है कि अगर कहीं पे कोई चीज़ आपको निर्माण करना है, जैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि जो है बाहर से सामान आए और हमारे देश में बनाया जाए, ठीक है, मतलब असेंबल वहाँ से लाया जाए, असेंबल यहाँ पे किया जाए, बनाया जाए, ताकि यहाँ पे रोजगार जो है सृजित हो। तो ये तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम था मोदी जी का। तो इसमें अगर बोला जा रहा है कि अगर चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कहीं पे कराना है तो वह कौन सा देश है, तो देख लीजिएगा टॉप स्थान पे स्विट्जरलैंड, यानी कि सबसे सस्ता आपको वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा। इंडिया का रैंक इसमें 31वां है, तो इसमें रैंक अगर घटता है यानी कि दूसरा तीसरा स्थान पर आ जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है से आकर्षित होंगे यहाँ पर सामान बनवाने में। इशू किया गया था यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट आता है एल्पर डोजर साइंटिफिक इंडेक्स 2023, इसमें भारत का रैंक 21वां रहा था, टॉप पे अमरीका था। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें जो इशू किया गया था वो ऑक्सिम इंटरनेशनल केन्या का एक फर्म है, उसके बाद डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के द्वारा इसको पब्लिश किया गया था। बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023, इसको डबल टिक लगा लीजिएगा। तो स्टूडेंट को रहने के लिए सबसे अच्छा सिटी कौन सा है, तो देख लीजिएगा सबसे अच्छा सिटी जो है से कहाँ पे है, लंदन है, ठीक है, लंदन से अच्छा सिटी कोई नहीं है। मुंबई में के देखिएगा तो अलग अलग रैंकिंग दिया गया था, तो मुंबई का 103वां स्थान था, बेंगलुरु का 114वां और चेन्नई का 125वां स्थान इस रैंकिंग में दिया गया था। तो क्यूएस के द्वारा जो है इसको रिलीज किया गया था। नहीं देख लीजिए कुछ नए रिपोर्ट्स आए, क्वेश्चन आपको इस पर डबल टिक लगा लीजिए, इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे पहला आता है ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो यह वर्ल्ड बैंक जैसे प्रस्तुत करती है, इसमें रैंक नहीं दिया जाता है, कुछ रिपोर्ट होता है जिसमें अलग अलग चीज़ बात किया जाता है, ज़्यादा उसमें बात करूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। फॉर द टाइमिंग बस याद रख लीजिएगा, ग्लोबल जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक प्रस्तुत करती है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इस पर आप लोग डबल टिक लगा लीजिएगा, वर्ल्ड जो डेवलपमेंट रिपोर्ट है डायक पूछ देगा कौन प्रस्तुत करती है, तो वर्ल्ड बैंक। और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जो है वो भी वर्ल्ड बैंक ही प्रस्तुत करती है। तीसरे से अगर डेवलपमेंट जैसा वर्ड दिखेगा तो ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक यहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स है, इकोनॉमिक वर्ड इसमें भी है, कन्फ्यूज मत कर लीजिएगा। तो तीन यहाँ से रैंकिंग याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक का, आईएमएफ का, दो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट रिपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर डबल टिक लगा लीजिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करती है, तो आईएमएफ प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, और फिस्कल मॉनिटर, दोनों आईएमएफ के द्वारा, यानी कि तीन यहाँ भी है, तो ये सब ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट आता है द वेल्थ रिपोर्ट 2023। तो द नंबर ऑफ बिलियनर्स, वेल्थ मतलब क्या होता है, वेल्थ मतलब होता है संपत्ति। तो नंबर ऑफ बिलियनर्स के बारे में एक जो है से इंडेक्स रिलीज किया गया था रिपोर्ट, तो उसमें देखिएगा तो इंडिया का जो रैंक था यानी कि रैंक था वह तीसरा था, यानी कि फर्स्ट स्थान पर कौन था, यूएसए। उसके बाद कोई होगा देश, उसमें लिया नहीं गया है। तो यूएसए के बाद कोई और एक कंट्री है, उसका तीसरा स्थान पे जो है इंडिया है, यानी कि बिलियनर के मामले में इंडिया तीसरे स्थान पे है। मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, चलिए एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, एक बिलियन में कितना जीरो। चलिए, नाइट फ्रैंक के द्वारा इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था, याद रखिएगा तीसरे स्थान पर इंडिया है, तो बिलियनर की संख्या इंडिया में भी ज़्यादा नहीं है। इंडिया में देखिए गरीबी आप लोग देखने को मिलता है ना, इसमें ना कुछ जो अमीरी और गरीबी का खाई है इंडिया में कुछ इस तरह से है, यानी पैसा जिसके पास है ना बहुत पैसा है, और जिसके पास पैसा नहीं है ना उसके पास पैसा है ही नहीं, मतलब नहीं है, समझ लीजिए। ये कुछ खाई है, तो इसको गैप को जो है से थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, गैप को जितना कम होगा वही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट देख लीजिए कुछ इंडिया का यहाँ पे रिपोर्ट है, इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ कुछ पॉलिसी और कुछ इंडेक्स है ना। सबसे पहले आता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, को हाल ही में रिलीज किया गया था, डेटा इकट्ठा किया गया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, 2015-16 का, 2019-21 का डेटा लिया गया था, उसमें जो ऐसे रिपोर्ट निकल कर आया था, तो अभी उसको 2023 में जो ऐसे हाल ही में 17 जुलाई 2023 को रिलीज किया गया था। तो उसके अकॉर्डिंग देखिएगा तो क्या था, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको, ठीक है ना, करंट अफेयर्स में भी काफ़ी मैं कवर कर चुका हूँ इसको। पहला आता है देखिए तो इशू किया जाता है कि नीति आयोग के द्वारा किया जाता है, भूलेगा नहीं 1 जनवरी 2015 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, योजना आयोग को खत्म करके। तो फर्स्ट स्थान पे इसमें जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें फर्स्ट स्थान पे केरला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड आप लोग कीजिएगा, यहाँ पे पॉवर्टी मतलब गरीब नहीं है, सबसे कम गरीब उसमें टॉप स्थान पे है। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा कि बिहार जो है सबसे गरीब है, तो इंडेक्स थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे टॉप लिखा हूँ, तो टॉप कहने का मतलब ये नहीं है मेरा कि सबसे गरीब है, कहने का मेरा मतलब है कि सबसे अमीर है। बिहार देखिएगा तो इंडिया में टोटल 28 स्टेट है, तो बिहार सबसे नीचे है, और बाकी झारखंड वाले तो अपना भूलिएगा नहीं, 27वां स्थान पर आप लोग हैं, ठीक ना। चलिए, ये सब कुछ रिपोर्ट के बारे में हो गया। टॉप किया था, अगर देखिए ये सब तो स्टेट्स हो गया, यूनियन टेरिटरी में देखिएगा तो पुदुचेरी जो है टॉप किया था इसमें, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है से कम गरीबी यहाँ पे है। और बॉटम स्थान पे देखिएगा तो दादर और नगर हवेली और दमन और दीव था, ठीक है, तो DNDD याद रख लीजिए का, ठीक है। नेक्स्ट आता है, दो और भी चीज़ होता है जो कि आप लोग को पता होना चाहिए, जैसे एक होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस और एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी, तो दोनों RBI के द्वारा जो है ये प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट आता है फिस्कल पॉलिसी, तो ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, तो दोनों चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है UDIAC रिपोर्ट, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो है इसको रिलीज किया जाता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी UPSSSA में पूछा गया था कि ये जो UDIAC है वह जो है कौन प्रस्तुत करती है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है प्रस्तुत करती है। पहले देखिए क्या आता था, HRD मिनिस्ट्री था, थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा, HRD मिनिस्ट्री था और एक था आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री, तो दोनों को मर्ज कर दिया गया है, ठीक ना, ऐसा HRD मिनिस्ट्री नहीं देखने को मिलेगा, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको कर दिया गया है। तो देख लीजिएगा UDIAC जो है इसका मतलब होता है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन का क्या हाल है उसी के बारे में रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया जाता है। 2019 में जो है UDIAC को चेंज किया गया था अपग्रेड, और UDIAC+ लाया गया था 2019, डेट याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज क्लास में इतना ही, इतना आप लोग कर लीजिएगा, थोड़ा सा ये टॉपिक तो टफ होता है, याद रखना पड़ेगा, बाकी जो डबल टिक लगाया गया था उसको आप लोग भूलिएगा नहीं, बाकी कोई भी छोटा छोटा भी न्यूज़ हो तो उसको भी आप लोग कवर करके चलना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि कोई जरूरी थोड़ी एक हमेशा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है टॉपिक होता है वही से पूछा जाता है, कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है अगर ट्रूली स्पीकिंग बोला जाए तो। बाकी नेक्स्ट जो टॉपिक के बारे में जो बात कर रहा था, तो वो होगा ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर्स, उसमें सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा यूनाइटेड नेशंस, देखिएगा यूनाइटेड नेशंस के बारे में तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन इसमें तो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले मेरा जो कोशिश रहेगा कि यूनाइटेड नेशंस के बारे में पूरा जो है राम कहानी आपको दे दिया जाए, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर्स कवर करूंगा, इस तरह से टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। तभी थोड़ा सा मेरा खराब चल रहा है, लेकिन मैं जो बोलता हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता है, तो अगर हो सकेगा देखिए झारखंड का वीडियो आ पाता है कि नहीं आ पाता है, तो आप लोग वेट कर सकते हैं, बाकी इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और टेलीग्राम से कनेक्ट जरूर रहिएगा। वंदे भारतम, जय हिंद।